चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहां पर, एक सेकंड, भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायालय के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? आपको पता होगा जब न्यायपालिका हमने पढ़ाया था, तो चूंकि भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है तो सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। भारत में क्या होता है? सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, जिसको आप लोग सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, ठीक है, न्यायालय, सॉरी न्यायालय, ठीक है। उसके नीचे जो होता है आपका, सर्वोच्च न्यायालय के नीचे जो होता है वो आपका होता है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। क्या हो जाता है? उच्च न्यायालय, ठीक है। उसके नीचे आपका क्या होता है? जिला स्तर पर जिला न्यायालय, ठीक है, जिसमें आपको एक होते हैं जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज, और एक होते हैं सेशन जज। तो जो भी दीवानी, जो भी केस होगा, सिविल मामले, वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है तो उसका जिला न्यायाधीश करते हैं। अगर फौजदारी मामला है, मारपीट का, लड़ाई झगड़ा का है, ठीक है, जिसमें हिंसात्मक गतिविधि हुई है, तो उसके लिए आपके सेशन न्यायालय होते हैं, ठीक है। अब खास करके आपराधिक मामले, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत की संघीय व्यवस्था में, चूंकि भारत एक राज्यों का संघ है, तो न्याय के शीर्ष पे कौन बैठा हुआ है? कौन है? तो आपको पता होगा सबसे ऊपर में कौन सा है, तो सर्वोच्च न्यायालय है, अनुच्छेद 124 के तहत। हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो को भी आप कंटेंट में देख सकते हैं, भारतीय न्यायिक व्यवस्था, कुछ ही दिन पहले हमने पढ़ाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का क्या दायित्व है? तो आपको पता ही होगा सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है, संविधान की रक्षा एवं अभिभावक का कार्य बिल्कुल ये करती है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना ये भी करती है, संघीय व्यवस्था की रक्षा करना ये भी करती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एक से अधिक। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को जरूर आप लोग अच्छे से देखिए। सर्वोच्च न्यायालय का क्या दायित्व है? तो संविधान की रक्षा एवं अभिभावक का कार्य तो करता ही है, क्योंकि सबसे ऊपर में है, तो जितने भी हाई कोर्ट है चाहे जिला कोर्ट है, वो सभी के लिए अभिभावक के रूप में सुप्रीम कोर्ट ही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्याय होते हैं या जो भी, तो वो अभिलेख न्याय होता है, अभिलेखीय रूप में, यानी सभी जितने भी उसके अधीनस्थ न्यायालय है, चाहे हाई कोर्ट है चाहे जिला न्यायालय, उसको मानना पड़ता है। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का भी दायित्व जो है सुप्रीम कोर्ट के पास रहता है। तो ये सब बिल्कुल सभी सही है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया आपका एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पे बने रह सकते? तो याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय के 65, और जो हाई कोर्ट होते हैं वो 62, तो हाई कोर्ट उसके नीचे है तो एज कम है 62, और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर है तो याद रखिएगा 65। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष, 65 वर्ष के आयु तक जो है बने रह सकते हैं अपने पद पर। कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, साउंड प्रॉब्लम या कुछ भी, तो आप लिख के मैसेज कर सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने की क्या योग्यता निर्धारित है? तो हमने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि 5 वर्ष तक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं तो भी उनको बनाया जा सकता है, या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है, राज्य स्तरीय जो न्यायालय होता है, उसमें अगर वो वकील रह चुके हैं, वकालत कर चुके हैं, तब भी वो जो है मान्य होता है, ठीक है। तो आपका ये भी सही है, ये भी सही है, और राष्ट्रपति के नज़र में तो कानून का ज्ञाता होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये सभी तीनों तीनों जब आपका यहाँ पर योग्यता निर्धारित करते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति ही जो है इनकी नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति की नज़र में भी कानून का ज्ञाता होना चाहिए वो व्यक्ति, साथ साथ ये दोनों तो एकदम अति आवश्यक है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए ये सब योग्यता आवश्यक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? अभी तुरंत हमने बताया
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, किसके परामर्श से करेंगे, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। तो सीधे राष्ट्रपति लिखा है, तो अपने मन से ये किसी को नहीं बना सकते, इसलिए ये गलत हो गया। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से प्रधानमंत्री, ये भी गलत हो गया। हाँ, मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति, ये बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि राष्ट्रपति अपने मन से किसी को नहीं बना सकते, उनको भी मुख्य न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस, उनसे सलाह लेना पड़ता है कि किन व्यक्तियों को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाए। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों को पदच्युत, आपको पता होगा कि जब भी न्यायाधीश पदच्युत होंगे तो उसको संसद में प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, तभी जा करके ये संभव है। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री कितना भी प्रस्ताव कर ले, कुछ इसमें प्रस्ताव कर ही नहीं सकते। यहाँ पे है संसद के किसी भी सदन में, हमने आपको बताया था लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में, लोकसभा में है तो उसमें 100 और राज्यसभा है तो 50, अगर उसके खिलाफ जाएगा न्यायाधीश के खिलाफ, तब उसको पद से, और उसके बाद भी उसका रीजन होगा और सभी वोटिंग होगा, तब जा करके वो हटाए जा सकते हैं। तो संसद के दोनों सदनों से पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति द्वारा जो है न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो न्यायाधीशों पे भी लग सकती है, लेकिन संसद के दोनों सदन में पहले पारित होना पड़ेगा, तभी जाके। ये सब चीज़ हमने आपको जब न्यायपालिका पढ़ाया था तो उसमें ये सब हमने अच्छे से आपको बता रखा है। विधि के प्रश्नों पर इनमें कौन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, तो आपको पता होगा अनुच्छेद 143 के तहत, हमने आपको एकदम हेडलाइन, एकदम हेडलाइट करके आपको बताया हुआ है कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो विधि के प्रश्नों पे परामर्श ले सकते हैं। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का अर्थ क्या है। हमने आपको बताया था न्यायिक पुनर्विलोकन यानी अगर कोई भी कानून बना उस समय तो बन गया, लेकिन अगर आगे चल करके उसका इम्पैक्ट जनता पे बैड इम्पैक्ट है, सही से वो जो है इम्पैक्ट नहीं है उसका प्रभावपूर्ण, या वो हानिकारक है, तो उस स्थिति में ठीक है पुनर्विलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को दी गई। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता की जांच करना, ये भी सही है। कार्यपालिका का आदेश की संवैधानिकता की जांच करना, संविधान के विरुद्ध पाए जाने पर उसे असंवैधानिक घोषित करना, ये भी सही है। ठीक है, तो यानी ये तीनों कथन यहाँ पे सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। यानी संविधान के विरुद्ध अगर कोई भी जो कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, अगर वो संविधान के विरुद्ध है तब भी जो है उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कार्यपालिका अगर आदेश सही ढंग से नहीं लागू किया, जनता के हित में नहीं है, उसको भी जो है जांच कर सकता है। और संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून की संवैधानिकता कितना सही है, संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो अगर नहीं पाया जाएगा संविधान के अनुसार तो उसको रद्द कर सकता है। तो इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, एक से अधिक। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा आदेश या लेख जारी कर सकता है। देखिए, मौलिक अधिकार हमने आपको बताया था, जो मौलिक अधिकार कितने होते हैं, तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं, तो 6 हैं। ठीक है, कि रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जब भी जारी करेगा तो क्या जारी कर सकता है इसमें से बताइए। तो वो परम आदेश भी जारी कर सकता है, उत्प्रेषण भी जारी कर सकता है, प्रतिषेध भी। ठीक है, तो ये तीनों जो है वो जारी कर सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, एक से अधिक। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ क्या है। प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे। ठीक है, नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील के रूप में आने वाले मामले, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए आने वाले मामले। देखिए, डायरेक्ट अगर आप जो भी मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं तो वैसे मामले को ही कहा जाता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, तो जिसको कि हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है, तो प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो मुकदमे होते हैं, खास करके मौलिक अधिकार को लेकर के, उसमें अगर
किसी जनता के मौलिक अधिकार की हनन होती है तो डायरेक्ट जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो है वो होता है, जिस पे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है। तो ये इसका सही जवाब है 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करता है? यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, ये भी सही है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है। तो ये हमने आपको बताया था कि ये काम प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन के लिए नियम उसका बनाने का काम नहीं है। न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें निर्धारित करता है, ठीक है, ये भी सही है। तो यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण का कार्य करता है, ये भी सही है। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के, ये गलत है, न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों की सेवा की शर्तें, ये सही है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लगाए गए अंकुश को किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो यह हटाया गया, याद रखिएगा, 43वां संविधान संशोधन के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, यानी वहां उसके जो न्यायाधीश होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था? इनके सेवा काल की सुरक्षा प्राप्त होती है, इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती नहीं की जा सकती, इनकी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन्हें सेवा काल की सुरक्षा प्राप्त होती है, ये भी सही है। ये कोई भी निर्णय लें, इससे कोई मतलब नहीं, इनको हटाया नहीं जाएगा। हाँ, ये 65 वर्ष या 62 वर्ष जो आयु है पूरा हो जाएगा कार्यकाल, तभी ये हट सकते हैं। तो सुरक्षा प्राप्त होती है, इनके वेतन और भत्ते में कोई कटौती, हाँ, इनके वेतन में अगर कोई भी मामला होता है तो इनका वेतन नहीं कोई काट सकता है, या कोई भी भत्ता में कटौती इनके नहीं की जा सकती है, और इनकी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी बदलाव नहीं किया जा सकता, यानी इनकी सैलरी है, अगर देश में वित्तीय आपात भी आ गया, ठीक है, उस समय भी इनके सैलरी को कोई काट नहीं सकता है या कोई बदलाव नहीं कर सकता है। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की व्यवस्थाएं की गई है, इसीलिए वो स्वतंत्र रूप से न्याय ले सके, इसके लिए है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 13 का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक। संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका की शक्ति किसमें होती है? हमने जब राष्ट्रपति चैप्टर पढ़ाया था, संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका, ठीक है, प्रांत की, प्रांत मतलब हो जाता है राज्य, तो राज्य की समस्त कार्यपालिका किसमें होगा बताइए? आपको हमने बताया था राज्यपाल चैप्टर, राज्यपाल चैप्टर में अच्छे से हमने क्लियर किया था, जो प्रांत स्तर होता है, प्रांत मतलब होता है राज्य, राज्य का जो भी कार्यपालिका होता है वो सबसे प्रधान होते हैं राज्यपाल, कौन होते हैं? राज्यपाल। अगर देश स्तर की बात करें तो सबसे जो कार्यपालिका के प्रधान होंगे देश स्तर पे कौन हो जाएंगे? देश स्तर पे राष्ट्रपति हो जाएंगे, देश स्तर पे कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। तो ये याद रखिएगा आप, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु, ये हमने कई बार बताया कि राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है 35 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए कार्यकाल की जाती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए कार्यकाल के लिए, ऐसे 5 वर्ष के लिए जनरली किए जाते हैं, लेकिन इच्छा रहता है राष्ट्रपति का, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। तो कितने वर्षों के लिए कार्यकाल पूछ रहा है, तो इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर 5 ही मारिए, 5 वर्ष, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सलाह देता है उनको, ठीक है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या वैधानिक शक्तियाँ प्राप्त? तो राज्यपाल चैप्टर में हमने बताया था, विधानमंडल की बैठक को बुलाना तथा उसे संबोधित करना, ये भी सही है। विधान परिषद के सदस्यों को मनोनीत, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयक को स्वीकृति पर, ये भी सही है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है, ये सब आपको राज्यपाल चैप्टर में पढ़ाया हुआ है अच्छे से, बहुत ही ढंग से हमने आपको समझाया हुआ है। अगर आपने कंटेंट में अभी तक नहीं पढ़ा है तो जाके राज्यपाल चैप्टर को अच्छे से, राज्यपाल, राष्ट्रपति, ये सब वीडियो आपके कंटेंट में पड़े हुए हैं, अच्छे से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी बुक के हैं, एससीईआरटी के अंतर्गत जो बिहार राज्य में चलता है बुक उसके हैं, इसीलिए आप लोग अच्छे से इसको ज़रूर पढ़ के बना के जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को कौन से अधिकार प्राप्त हैं। तो न्याय के क्षेत्र में राज्यपाल को पूछ रहा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति राज्यपाल से भी परामर्श लेता है, उसके बाद है, सही है, अपराधी के दंड को कम करने का, स्थगित करने, दूसरे दंड में बदलने या पूर्णतः माफ करने का अधिकार प्राप्त होता है। हाँ, आपराधिक मामले हैं, केवल जो है मृत्यु दंड को ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपराधिक मामले हैं उसके दंड को कम जरूर कर सकते हैं। ठीक है, मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार प्राप्त है, नहीं, मृत्यु दंड को ये कुछ भी नहीं कर सकते, राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर ऐसे दोनों सही है, इसका आंसर हो जाएगा आपको एक से अधिक। ठीक है, राज प्रशासन की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। राज प्रशासन की वास्तविक, तो राज के अंदर प्रशासन यानी कार्यपालिका की शक्ति, राज ऐसे वास्तविक पूछ रहा है, तो वास्तविक में हो जाएंगे मुख्यमंत्री। देखिए मुखौटा के रूप में तो राज्यपाल होता है, ठीक है, लेकिन मेन तो वास्तविक रूप से कार्यपालिका, जिसे देश स्तर पर प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार से राज्य स्तर पे कार्यपालिका की शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है, याद रखिएगा वास्तविक रूप से। ठीक है, वास्तविक रूप लगा दे तो मुख्यमंत्री हो जाएगा, याद रखिएगा। राज्यपाल किसे किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, तो जो विधानसभा बहुमत प्राप्त दल का नेता होगा उसी को विधान पर, बिल्कुल गलत, विधानमंडल सदस्य, ये भी ठीक है। तो राज्यपाल किसे, तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ठीक है, वह मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, ये सही जवाब है। राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति, देखिए मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होंगे उनके नियुक्ति किसके द्वारा होगा, तो मुख्यमंत्री के परामर्श से, किसके द्वारा होगा, तो मुख्यमंत्री के परामर्श से ही राज्यपाल के द्वारा मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। तो उसमें परामर्श मुख्यमंत्री जरूर देगा राज्यपाल को, तभी जाके वो होता है, ठीक है, याद रखिए। मंत्रियों के बीच विभाग कार्यों का बंटवारा कौन करता है, तो जो कार्य होते हैं उसका बंटवारा जो है मेन रूप से मुख्यमंत्री ही करते हैं, इसमें इनका योगदान होता है मुख्यमंत्री का, वो कार्य विभाग को बांटते हैं। राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग किसकी सलाह से करता है, तो राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, देखिए यहाँ पर देखिए न्यायिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो राज्यपाल अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा, तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह से ही करेगा, ठीक है, अपनी न्यायिक शक्ति का प्रयोग, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच क्या संबंध है, देखिए मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, बिल्कुल सही है कि आपका मुख्यमंत्री क्या होते हैं, मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता, संचालक, निर्देशक तथा संहार करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी। ये सब आपको मंत्रिपरिषद चैप्टर, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये सब चैप्टर आपका क्वालिटी में पढ़ाया हुआ है, कंटेंट में, वो सब आप देख लीजिएगा अच्छे से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाएगा, तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री को, जब हमने राज्यपाल चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये सब चीज़ को अच्छे से विश्लेषण किया हुआ है, क्या आंसर हो जाएगा आपका, राज्यपाल, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या हो गया आपका, 26 का बी, राज्यपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव किसके द्वारा पास किया जा सकता है, विधानसभा द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, विधान परिषद द्वारा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास, ठीक है, तो ये जब भी होगा तो विपक्षी दल के नेता ये अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं, तो ये जब भी लाएंगे तो विधानसभा में, चूंकि जनता का जो निचला सदन है वो विधानसभा ही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, विपक्षी पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया जाएगा, तो निचली सदन में ही,
ठीक है, जहां जनता के प्रतिनिधि बैठते, यानी विधानसभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के विधान, देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य की संख्या कितनी है? तो 243, कितनी है? तो 243 आपको विधानसभा में है, और 75 आपका किस में है? तो विधान परिषद में। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जितना प्रधानमंत्री बनने के लिए हो सकता है, तो 25 वर्ष, ठीक है, 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। आप 18 वर्ष में वोट दे सकते हैं, 21 वर्ष प्लस में आप क्या कर सकते हैं कि आप खड़े हो सकते हैं किसी भी पद के लिए, और प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होता है? बहुमत प्राप्त दल या सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा? तो यहाँ पे जो है सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, खास करके विधानसभा के सदस्य के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बी, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो सिंपल सी बात है, जो अध्यक्ष होंगे, स्पीकर होंगे, वही विधानसभा के बैठक की अध्यक्षता करेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विधानसभा की विगत सत्र की अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल होना चाहिए? तो देखिए, दोनों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी साल में 2 बार तो बैठक होना ही होना। निम्नलिखित में से किस राज्य में केवल विधानसभा और विधान परिषद नहीं है? देखिए बहुत सारे राज्य हैं, जितने भी बड़े राज्य हैं वहाँ विधान परिषद भी है, ठीक है, जो आप देखिएगा जनसंख्या के हिसाब से चाहे क्षेत्रफल के हिसाब से बड़े राज्य में आपको विधान परिषद दिखेंगे, जितने छोटे राज्य हैं उसमें विधान परिषद। तो जैसे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से आप देखिएगा कि बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? विधान परिषद होगा, बिल्कुल होगा। उत्तर प्रदेश भी जनसंख्या के दृष्टिकोण से है, बिहार भी है, पश्चिम बंगाल भी है, तो पश्चिम बंगाल में अभी विधान परिषद जो प्रस्तावित ही है, ठीक है। तो यहाँ पे है झारखंड, तो झारखंड में आपका विधान परिषद नहीं है, छोटे राज्य जहाँ जनसंख्या कम है, ये छोटे राज्य के पास मात्र 6 ही राज्य हैं जहाँ विधान परिषद है आपके देश, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद नहीं है, जो उच्च सदन होता है राज्य का वो नहीं है। चलिए बिहार, देखिए क्वेश्चन पूछ ही दिया, बिहार विधान परिषद में जो उच्च सदन है बिहार का, उसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है कि 75 सदस्य होते हैं, कितने होते हैं? 75। तो विधान परिषद जो राज्य का उच्च सदन होता है उसमें 75 है, और जो राज्य का निम्न सदन यानी विधानसभा है उसमें आपका कितना सीट है? तो 243 सीट है, दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। तो ये सब का नियम है, रूल है, ये आपको हमने बता रखा है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कुल सदस्यों का 1/3 भाग जो होगा वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा ही विधान परिषद में चुन करके जाते हैं। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, बिल्कुल, राज्य विधानमंडल का ये क्या है? उच्च सदन ही होता है विधान परिषद, वही विधानसभा निम्न सदन होता है, ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं? तो देखिए राज्यपाल के द्वारा जो है मनोनीत, इसमें से 1/3, 12वें भाग, 6ठा भाग विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसमें से 6ठा भाग जो होता है वो राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं, ठीक है, विधानसभा नहीं है ये, विधान परिषद है, याद रखिएगा। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं है, ठीक है, मंत्रियों से प्रश्न पूछने का अधिकार, वाद विवाद एवं बहस करने का अधिकार, मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार, ठीक है। तो कौन सा अधिकार विधान परिषद को नहीं है? तो याद रखिएगा जो है मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करने का अधिकार जो है वो विधान परिषद को नहीं है। जब भी मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास आएगा तो विधानसभा में ही आएगा, और विपक्षी दल पार्टी ये अविश्वास प्रस्ताव लाती है, तो याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है? तो धन विधेयक या धन या वित्त से संबंधित विधेयक जब भी पास होगा, याद रखिएगा हमने पढ़ाया था आपको, तो जब भी पास होगा धन या वित्त से संबंधित वो विधानसभा में ही होगा, ठीक है। चूंकि जनता का तो सदन मेन रूप से जो है आपका कौन सा होता है, विधानसभा ही होता है। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है, ठीक है। हाँ, रोकने का अधिकार, लेकिन अगर दोबारा फिर भेजा जाएगा तो उसको पारित करना ही पड़ता है विधान परिषद को, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, 14 दिन, ठीक है, रोक सकती है। उसके बाद या तो वो स्वतः पारित हो जाएगी या उसको पारित करना ही पड़ेगा। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पे कौन सा न्यायालय होता है? तो राज्य में न्याय प्रशासन तो उच्च न्यायालय होगा, राज्य स्तर के जो न्यायालय होते हैं वो उच्च न्यायालय होते हैं। तो राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पे उच्च न्यायालय होता है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, कौन करता है? एक से अधिक, एक ऑप्शन इसमें से गायब हो गया है, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, किसके सलाह पे? तो याद रखिएगा वो सलाह जो है सुप्रीम कोर्ट के सलाह पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु हमने बताया था आपको 62 वर्ष उच्च न्यायालय का, वहीं उच्चतम न्यायालय का 65 वर्ष। दीवानी मामलों में न्यूनतम कितने रुपये मूल्य की जायदाद के प्रश्न पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? दीवानी जो जिसमें मारपीट नहीं हुआ रहता है वो मामला, ठीक है, तो कितने रुपये के मूल्य की अपील दर्ज की जा सकती है कहाँ पे? तो उच्च न्यायालय में, ठीक है। ये नहीं कि 10-20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया के लिए आप पहुँच गए उच्च न्यायालय, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो दीवानी मामला में जो है कम से कम 5000 रुपये का मामला होगा तभी आपका मामला जो है उच्च न्यायालय में जाएगा। फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में अपील कब की जा सकती है? प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के, देखिए एकीकृत है तो सबसे पहले निचले स्तर पे ही उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालय में तभी आप जा, फौजदारी मामला में सबसे पहले तो आपको कहाँ चला जाएगा, वो सत्र न्यायालय में चला जाता है के द्वारा दी गई सजा के विरुद्ध। जब वो सत्र न्यायालय आपको निर्णय दे देगा, ठीक है, अगर आपको निर्णय सही नहीं लग रहा है तब आप जा सकते हैं सत्र न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध, आप जा सकते हैं हाईकोर्ट, उससे पहले नहीं। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले आते हैं? दीवानी मामले, नागरिक अधिकारियों की रक्षा के मामले, फौजदारी न्यायिक श्रृंखला, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आपके नागरिक अधिकारों की रक्षा। देखिए नागरिक अधिकार का रक्षा का जो मामला है वो आपको सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है और हाई कोर्ट में भी जा सकता है, ये दोनों के जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ही आते हैं। जिले की ऊंची अदालत क्या होता है? देखिए ऊंची अदालत कौन सी है? डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, सेशन कोर्ट, सबसे ऊँचे राजस्व न्याय, ठीक है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जिले की ऊंची अदालत कौन सी है? तो सेशन कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट होता है, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट है जो कि जिसमें फौजदारी मामले खास करके आपराधिक मामले होते हैं। तो जिले की ऊंची अदालत कौन सी है? तो सेशन कोर्ट इसका यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंची राजस्व न्याय अदालत कौन सी है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्व से संबंधित, ठीक है। तो सबसे ऊंची जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होती है राजस्व से संबंधित, वो सबसे ऊंची न्यायालय है राजस्व से संबंधित, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, याद रखिएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। दीवानी मामले की जिला में सबसे ऊंची अदालत कौन सी है? दीवानी मामला तो वो तो आपका क्या हो जाएगा, दीवानी मामला कहाँ पे जाएगा? तो जिला, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, तो जिला जज का न्यायालय, ये सही जवाब होगा दीवानी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राज्य के फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व न्याय का सर्वोच्च न्याय, तो स्वाभाविक से राज्य के अंदर उच्च न्यायालय ही होता है, इसलिए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का ए हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य के जो भी
सर्वोच्च न्यायिक निकाय है वो आपका उच्च न्यायालय ही होता है, जिला स्तर का जिला न्यायालय, और जिसको आप जिला कोर्ट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट में आपके फौजदारी मामले, आपराधिक मामले और दीवानी जो सिविल मामले हैं वो आपके किस में रहेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ठीक है, तो ये सब आपको हमने अच्छे से समझा दिया, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 50 क्वेश्चन का सेट था। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं क्या 50 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया आप लोग को। चूंकि थ्योरी हो रखा है तो अब आपको ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं है, चूंकि आप लोग ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। जो इक्का दुक्का क्वेश्चन है जो आपने नहीं पढ़ा है वो भी आप बहुत जल्द पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कल आप लोग का जो है एक क्लास में मॉर्निंग में अरेंज करूँगा। ठीक है, तो मॉर्निंग में आपका क्लास जो है 8 से 9:30 तक चलेगा। हिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्राचीन इतिहास, खास करके 10+2 वाले ज़रूर उसमें रहिएगा, बाकी सबके लिए महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का जो क्वेश्चन, कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछ दिए गए थे पिछले बार 10+2 में, तो वो चैप्टर अच्छे से थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा। तो आप लोग कल सुबह में जो है 8 बजे से मैं लिंक शेयर करूंगा, तो आप लोग जो भी मैसेज आता ही होगा तो आप लोग जो है 8 बजे ज़रूर ऑनलाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो 10+2 वाले तो निश्चित रूप से होइएगा, बाकी लोग भी देख लीजिएगा, चूँकि कहना मुश्किल होता है कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव सेशन में आपको जो भी है, और मैं देखिए कई लोग बोले थे कि सर आंसर उसी पेज में डाल दिया कीजिए जिससे पढ़ने में आसानी होगी। देखिए, हमारा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, इसीलिए हम आपको आंसर जो देते हैं वो आपको लास्ट में देते हैं। आपको जब भी PDF मिलता है तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए, सबसे पहले आप उसको बनाइए, 50 क्वेश्चन आप आंसर लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में आंसर की है उससे मिला लीजिए कितने सही हुए कितने गलत हुए और आप क्या सोच रहे थे। अगर मैं यहाँ पे सामने में आंसर लिख दूँ तो आप क्वेश्चन ठीक से समझिएगा भी नहीं और आंसर देख के रख लीजिएगा, और यही गलतियाँ आपसे जो होगी वो आपको फाइनल एग्जाम में बहुत सारे आसान क्वेश्चन को भी गलत करा देगी। थोड़ा सा घुमाएगा वहाँ पे और आप रटे हुए हैं और आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट देखिए अब क्वेश्चन कुछ है मार रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा समस्याएँ आपके साथ आ जाएगी। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सबसे पहले, या टेस्ट भी है तो टेस्ट के लास्ट में हमने सॉल्यूशन दिया है या आंसर की बताया है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से, बुद्धि विवेक से उसको बनाइए और लास्ट में मिलाइए आंसर की। ठीक है, कितने सही हुए कितने गलत हुए, तब जा कर के आपकी तैयारी बेहतर होगी। चलिए, आज ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, कल मैं फिर से मॉर्निंग में भी और फिर शाम में भी होगा, तो कल 8 से 9:30 मॉर्निंग में आप लोग को लिंक दिया जाएगा, तो आप लोग एक्टिव हो जाइएगा अपना हर्षवर्धन के जो भी टॉपिक हैं हिस्ट्री का, क्योंकि प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और 10+2 में पूछे गए हैं, 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसीलिए वो मैं करवाऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। चलिए, अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।